वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं सुनीता गोयल कुकविथ लम्मे आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको बेसन के मोदक बनाना बताऊँगी बहुत ही आसान तरीके से। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यहाँ हमने एक बाउल ले लेना है और बाउल में हमने एक कप भर के बेसन डाला है। मोदक बहुत ही आसान तरीके से मैं बनाना बताऊँगी, वीडियो को इसके बिल्कुल ना करिएगा। और अब हम इसमें डाल देते हैं दूध। आप सोच रहे होंगे ये मोदक बना रहे हैं या फिर हम घोल बना रहे हैं बेसन का, बिल्कुल भी नहीं, वीडियो को स्किप ना करिएगा, फुल वॉच करिएगा। तो बेसन को हमने घोल लेना है इस तरह से, विदाउट लम्स। हमारे घोल में किसी भी तरह के कोई भी लम्स नहीं होना चाहिए, इस बात का हमें ध्यान रखना है। और एक कप बेसन के लिए हमने इसमें आधा कप दूध का इस्तेमाल किया है, रूम टेम्परेचर का दूध लिया है। अगर आप मलाई का दूध ये यूज करते हैं तो भी अच्छा है, विदाउट मिल्क जो क्रीम वाला होता है उसका यूज करते हैं तो भी अच्छा है, रेसिपी हमारी बहुत ही टेस्टी बनेगी। और यहाँ हमने घोल बना के रेडी कर लेना है इसी तरह से। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो चैनल को वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और इस तरह से हमारा घोल रेडी हो गया है, ये परफेक्ट घोल बन के रेडी हुआ है। तो इसको फूलने के लिए छोड़ देते हैं। यहाँ हम स्टफिंग तैयार कर लेते हैं। तो एक चम्मच भर के मैंने मावा लिया है, ये होममेड मावा है। और ये देखिए हमने इसको थोड़ा सा, ये जो ड्राई फ्रूट्स हैं बादाम हैं उनको ले लेना है, बारीक बारीक चॉप कर लेना है हमें। और इसमें हम डाल देते हैं। तो डालने के बाद क्या करेंगे, अब इसमें हम डालेंगे जो ड्राई कोकोनट होता है, उसको मैंने कद्दूकस किया था, उसको मैंने डाला है 1 से 1.5 चम्मच भर की। और अब हम 1 से 1.5 चम्मच भर के ही इसमें डालेंगे चीनी, जिसको मैंने पीस के रखा था। सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम। और जो मोदक है हमारे बहुत ही आसान तरीके से और बहुत ही इजी तरीके से बनके रेडी हो जाएंगे। आपको ये लगेगा अरे इतने आसान तरीके से तो कोई भी मोदक बना लेगा, ठीक उसी तरह से आप भी बना सकते हैं जैसे मैंने बना के रेडी किए हैं। तो स्टफिंग भी रेडी हो गई है, इसको एक साइड रख देते हैं। इधर हम पैन ले लेंगे, पैन में 3 से 4 चम्मच भर के घी डालेंगे, देसी घी है ये, क्योंकि हम जो मोदक है बप्पा का भोग लगाने वाले हैं तो इसलिए हमें जो मोदक है वो हमें घी से ही बनाना है। आप चाहें तो वनस्पति घी का इस्तेमाल कर सकते हैं, पर घी का करेंगे तो ज़्यादा सही है। अब हमारा जो घोल था वो भी अच्छी तरीके से फूल गया है, इसको हम डाल देते हैं पैन में। पूरा घोल हमें डाल देना है, मोदक हमारे बहुत ही टेस्टी बनेंगे, वीडियो को स्किप बिल्कुल ना करिएगा। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और नीचे शेयर का बटन है, वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा अपने दोस्तों में और अपने रिश्तेदारों में, ताकि वो लोग भी इस रेसिपी को देख सकें और अपने पापा का भोग लगा सकें ईजी तरीके से। जो मैंने मोदक बनाना बताए हैं तो इसमें 1 चम्मच मैंने सूजी डाल दी है बारीक वाली, जिसको रवा बोलते हैं, तो वो डाल दी है मैंने। इसको अच्छे से कुक हो जाने देते हैं। और ये देखिए बहुत ही दानेदार हमारे जो मोदक बन के रेडी होंगे। और बिल्कुल भी पैन को छोड़ना स्टार्ट कर दिया, बिल्कुल भी नहीं चिपक रहा है ये। तो अब हम इसमें डाल देते हैं चीनी। मैंने 1 कप बेसन लिया था, आधा कप दूध लिया था और उसके बाद आधा कप ही ली है मैंने चीनी। बहुत ज़्यादा मीठा नहीं बनाना है और इसको भी हम इस तरह से मिक्स कर लेंगे, लेकिन इस तरह से चीनी तो मिक्स होगी नहीं क्योंकि मैंने खड़ी चीनी का इस्तेमाल किया है। तो 3 से 4 चम्मच भर के इसमें हम दूध डालेंगे ताकि चीनी हमारी मेल्ट हो जाए। और अगर आप इस तरह से खड़ी चीनी नहीं डालना चाहते हैं और दूध नहीं डालना चाहते हैं फिर से, तो आप इसमें पिसी हुई चीनी का इस्तेमाल करिए, आधा कप चीनी डाल सकते हैं इसमें और इस तरह से मिक्स कर लीजिए। गैस का फ्लेम हमें लो ही रखना है और लो फ्लेम रखते हुए हमें ये सारा प्रोसेस करना है। मोदक हमारे बहुत ही इजी तरीके से बनके रेडी हो जाएंगे और बहुत ही टेस्टी भी बनेंगे, इस बात की मैं गारंटी लेती हूँ। तो ये लीजिए हमारे जो मोदक हैं, मोदक की जो मसाला है, सॉरी जो मोदक जिसे हमें बनाना है
वो भी रेडी हो गया है। अब हम इसमें 1 से 1.5 चम्मच और घी डाल देंगे ताकि ये अच्छी तरीके से कुक हो जाए। घी से क्या होगा ना, ये अच्छी तरीके से कुक होगा अंदर से, आप देख पा रहे हैं। इसी तरह से हमें लो फ्लेम पर चलाते हुए कुक करना है और ये अपने आप से पैन के तले को छोड़ना स्टार्ट कर देगा। आप समझ जाइए कि ये अच्छी तरीके से कुक हो चुका है। मोदक बनाने के लिए ये बिल्कुल भी कच्चा नहीं रहना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। ये एकदम से ड्राई हो जाएगा, बस क्वांटिटी कितनी किस चीज़ की लेनी है इस बात का ध्यान रखें। तो आप देख पा रहे हैं कितने अच्छी तरीके से ये कुक हो चुका है और तले को भी छोड़ना इसने स्टार्ट कर दिया है। और अब हम इसमें डाल देंगे 1 से 1.5 चम्मच भर के डेसिकेटेड कोकोनट पाउडर। अगर आपके पास नहीं है तो स्किप भी कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है कि आपको डेसिकेटेड कोकोनट डालना ही डालना है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको जो बैटर बनाया था इसको ठंडा होने के लिए रख देते हैं। जब ये ठंडा हो जाएगा उसके बाद हम इसको इस्तेमाल करेंगे। इसका मोदक हमारे बहुत आसान तरीके से बनेंगे, आपको लगेगा ही नहीं कि मोदक हमारे बन के रेडी हो गए हैं। ऐसा लगेगा कि मोदक बनाना तो बच्चों का खेल है। तो चलिए सांचा भी देख लेते हैं, हम इसको भी तैयार कर लेते हैं। इसमें 2 से 3 ड्रॉप इधर दोनों साइड हम घी की डालेंगे और इसकी अच्छी पॉलिशिंग कर लेंगे ताकि जो मोदक बनाए हम तो इस सांचे में चिपके नहीं, बिल्कुल भी अच्छी तरीके से इसकी पॉलिश कर लेना है हमें। वीडियो को इसके बिल्कुल ना करें। और जब आपको रेसिपी पसंद आए तो लाइक डिसलाइक ज़रूर कर दीजिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगला वीडियो आपको किस चीज़ का देखना है तो वो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको किस चीज़ का वीडियो देखना है, किस तरह के मोदक आपको और पसंद हैं तो मैं उसी तरह के मोदक डालूंगी। तो ये लीजिए, सारे जो स्टफिंग थी उसके हमने गोले बना लिए हैं। इधर हमने जिसके मोदक बनाने हैं वो भी, बैटर हमारा ठंडा हो चुका है, हम थोड़ा सा इसको मसल लेते हैं और अब हम इसको ऐसे ही रख देंगे एक साइड। और अब हम अपना ये जो सांचा है वो ले लेते हैं। इस तरह से हम इसको बंद करके बनाएंगे, थोड़ा सा बैटर लेंगे हम, इसको थोड़ा सा ओवल शेप में इस तरह से बनाएंगे इस तरह से, और इसके अंदर डाल देते हैं और उंगली की सहायता से इसको दबाते हुए भरेंगे इसमें ताकि कहीं पे भी खाली ना रहे। और इसको उंगली अंदर करके एक स्पेस बना देंगे इसमें, आप देख पा रहे हैं इस तरह से। और जो हमने स्टफिंग बना के रेडी करी है उसके जो हिस्सों में बांट के रखा है उसकी एक गोली लेंगे, इसके अंदर डाल देंगे इस तरह से। और अच्छी तरीके से हम इसको बना के रेडी कर देंगे। तो आप देख पा रहे हैं कितनी ईजी तरीके से हमारे मोदक बन गया है। लग रहा है ना आपको बच्चों का खेल मोदक बनाना। अगर आपने गणेश जी की स्थापना करी है तो आप हर रोज़ मोदक बना के इस तरह से बप्पा का भोग लगा सकते हैं। और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि अगला वीडियो आपको किस तरह के मोदक बनाना पसंद है, तो मैं उसी तरह के मोदक आपको ज़रूर बना के डालूँगी। तो उसी तरह से मैंने फिर से दूसरा मोदक बना के रेडी कर लिया है और ऊपर से एकदम से क्लीन कर दिया है। हल्के हाथों से इसको निकाल लेते हैं और सारी मोदक हमें इसी तरह से बना के रेडी कर लेना है। बहुत ही आसान तरीके हमारे मोदक बन के रेडी हो जाएंगे। ये देखिए बहुत ही ईजी तरीके से बने हैं, ऐसा कि बच्चा भी कोई बना के रेडी कर ले। तो चलिए हम अपने मोदक को प्लेट में लगा देते हैं और इनकी थोड़ी सी गार्निश और करेंगे ताकि मोदक जो है ऐसा लगे कि जैसे हम बिल्कुल बाज़ार से लेके आए हैं। तो मोदक क्यों क्या करेंगे, हम थोड़ी सी चांदी का वर्क लेंगे और उससे हम इसको गार्निश कर देते हैं उस, ताकि ये और भी ज़्यादा सुंदर लगे। तो ट्राई ज़रूर करिए, मेरे तरीके से रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं रेसिपी कैसी लगी।